हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। सो गाइस, रिसेंटली अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी दो चोटी वाली सिरप के फ़ायदे। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और आप लोगों के और भी सारे सवाल थे, तो उन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं आज के मेरे वीडियो में दूंगी। इससे पहले भी मैंने इस सिरप पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो उन पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, तो मैंने सबको ले लिया और सोचा आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप और भी कुछ जानना चाहती हैं, तो इन्हीं सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले आप देख लीजिए, ये इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है। यस, दो चोटी वाली सिरप को फीमेल रेडसन सिरप भी कहा जाता है। अगर कभी आप ख़रीदो या कभी आप देखो कहीं वीडियो फीमेल रेडसन सिरप, तो आप कंफ्यूज मत होना, दो चोटी बनी हुई है इसलिए इसे दो चोटी वाली सिरप भी कहा जाता है। यस गाइस, मेरे से काफ़ी गर्ल्स का एक ही सवाल था, अरे एज बहुत कम है, मीन्स 13-14 एज है, तो क्या हम इस सिरप को ले सकते हैं? यस, अगर आपके पीरियड्स की एज बहुत कम है और अगर आपके पीरियड्स अभी स्टार्ट ही हुए हैं, तो भी आप इस सिरप को ले सकते हैं। और इस सिरप को 45 एज तक की लेडीज़ ले सकती हैं जिनके पीरियड्स आते हैं। गाइस, मोस्टली आपने देखा पीरियड्स के दौरान हमारे काफ़ी हाथ पैरों में दर्द, थकान, कमजोरी रहती है और जिस वजह से हम में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। मोस्टली कई गर्ल्स तो ऐसी होती हैं जिनको किसी से बात करना ही पसंद नहीं रहता है, उन्हें अकेले रहना अच्छा लगता है, और कुछ गर्ल्स हंसमुख होती हैं। बट गाइस, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है, मीन्स आपके अंदर आयरन की कमी है जिस वजह से आप में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है और आप इतनी ज़्यादा उग्र हो रही हैं, बहुत सी गर्ल्स इन सिरप को नहीं लेती हैं, सोचती हैं कि हमारे पीरियड्स नॉर्मल आ जाएंगे, एक महीने नहीं आए अगले महीने आ जाएंगे। बट गाइस, हमारे पीरियड्स कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को मैंने ये भी सुना है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, यह एक आयुर्वेदिक सिरप है, यह पीरियड्स में होने वाले पेन को कम करती है, थकान, कमजोरी एंड निद्रा को दूर करती है। बहुत सी गर्ल्स के PCOD की प्रॉब्लम्स रहती है, तो ये उन्हें भी ठीक करती है। अब एक ही सवाल जहाँ मुझे बार बार सुनने को मिलता है कि हमने 2-3 महीने इस सिरप को ले लिया है, उसके बाद भी हमारे पीरियड्स कंटिन्यू नहीं आए, साथ ही हम माँ नहीं बन पा रही हैं, हम क्या करें? गाइस, जब तक आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं होंगे, आप बच्चा कंसीव नहीं कर पाएंगी, और बच्चा कंसीव करने के लिए आपको आपके पीरियड्स को रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी टाइम हो गया आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, तो अब आप उठ जाइए और इस सिरप को लेना स्टार्ट कर दीजिए। आपने डॉक्टर के यहाँ पर काफ़ी पैसा ख़राब कर दिया है, बट कोई रिज़ल्ट नहीं आया है। डॉक्टर टैबलेट्स देती हैं, आप टैबलेट्स लेती हैं, पीरियड्स आते हैं, टैबलेट्स बंद कर दी, पीरियड्स बंद हो गए। तो यही सेम प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ हो रही है, तो आप अभी से ही इस सिरप को लेना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं टीनेजर्स गर्ल्स को भी यही कहूँगी कि अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप इस सिरप को अभी से लेना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आगे जाके आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो। और पीरियड्स नहीं आने की वजह से हमारे फेस पे काफ़ी एक्ने की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फेस पे झाइया हो जाती है, डार्क सर्किल हो जाते हैं, यहाँ तक कि समय से पहले ही बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सभी प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं हो, इसलिए आप इस सिरप को लीजिए, ये बहुत अच्छी है। आपको सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद इस सिरप को लेना है, रात में डिनर करने के बाद आप इसको सिरप को लेना है, और कम से कम 2-3 मंथ लेना है। 2-3 मंथ अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं या आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, तो आप इस सिरप को 1 महीने छोड़ दीजिए चेक करने के लिए कि आपके पीरियड्स रेगुलर हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। अगर आपके पीरियड्स 1 मंथ आ गए हैं, तो नेक्स्ट मंथ भी आप मत लीजिए ये चेक करने को कि हाँ रेगुलर हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ अब मेरे पीरियड्स हर मंथ आ रहे हैं, रेगुलर हैं, तो आप इस सिरप को छोड़ दीजिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 महीने पीरियड्स आए हैं, 2 महीने पीरियड्स मिस हो गए हैं, तो फिर आप इस सिरप को वापस कंटिन्यू कीजिए, जिससे आपके पीरियड्स धीरे धीरे कंटिन्यू हो जाएंगे। और PCOD की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इन सिरप को पीरियड्स के टाइम पर भी लीजिए, जिससे आपकी ब्लीडिंग्स अच्छी खुलकर आए। अब ब्लीडिंग के टाइम अगर आपके क्लॉट्स आते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है, बहुत से गर्ल्स वुमेन्स के क्लॉट्स बनते हैं, तो यह एक नॉर्मल प्रोसेस है। और कुछ भी आपको जानना या पूछना है, तो मुझसे डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकती हैं।